तो केमिस्ट्री में लेसन नंबर 12 की शुरुआत हम लोग करेंगे कार्बनिक रसायन से। देखो हम लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो किसी भी यौगिक के साथ संकलन कर सकता है और संकलन करके लंबा लंबा यौगिक बना सकता है, आपको याद होगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता सबसे अधिक होती है, 4 होती है। कार्बन जो होता है वह किसी भी तत्व से संकलन बना सकता है, बना करके सहसंयोजक बंध बनाता है जिसमें वह ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है, सल्फर के साथ जुड़ सकता है, फिर आपके फास्फोरस के साथ जुड़ सकता है और हैलोजन जो परमाणु होते हैं जो कि वर्ग 17 के होते हैं उससे भी वह जुड़ सकता है। बात समझिए, जो कार्बन होते हैं तो पहले तो एक बात जानो कि संकलन किसे कहते हैं, कि कार्बन के अंदर एक गुण होता है कि वह किसी भी तत्व के साथ सहसंयोजक बंध बना करके यौगिक बनाता है, इसी क्रिया को हम लोग संकलन कहते हैं। उसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संकलन कहते हैं, ठीक है। वह नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है, सल्फर के साथ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है और हैलोजन के साथ जुड़ सकता है। जरा सोच के बताओ मुझे, क्या ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, बताओ। इसका नाम क्या होगा, मेथेन होगा। क्या इसको आप बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा, एथेन होगा। क्या आप इसको बता सकते हैं इसका क्या नाम होगा, एथीन होगा। क्या आप इसको बता सकते हैं इसका क्या नाम होगा, एथाइन होगा। क्या आप इसको बता सकते हैं CH2, इसका क्या नाम होगा, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। देखो ये भी जुड़ा है, क्या आप ये बता सकते हैं CH3 और CN। देखो नाइट्रोजन जुड़ा है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम बोलो, इसका पहले सुनो, इसका नाम होगा मेथेन, सब लोग याद करो मेथेन। इसका नाम होगा एथेन, इसका नाम होगा एथीन, एथीन यानी जोड़ते हैं बाबू, इसका नाम होगा एथाइन और इसका नाम होगा, सब लोग जानते होंगे, कार्बन, इसका नाम होगा कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड, इसका नाम होगा, देखो याद करो, दो कार्बन है तो क्या नाम होगा, एथेन, एथेन, एथेन नाइट्राइड, एथेन नाइट्राइड। सबके साथ जुड़ सकता है, CO के साथ जुड़ सकता है, CO के साथ जुड़ सकता है, CO के साथ जुड़ सकता है, इसका नाम बोलो सब लोग, क्या नाम होगा, कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड। देखो इसी से कैंसर होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड, इसको भी आपको याद हुआ। अब आप हैलोजन से भी कह सकते हैं CCl4, इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा इसका नाम, और भी इसका नाम होता है टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्रा नाम इसका होगा बाबू, टेट्रा चलोरो लिखता है, चलोरो, इसको क्लोरो पढ़ते लेकिन चलोरो लिखा जाता है, टेट्रा क्लोरो, इसके लिए मेथेन आप लिखेंगे। तो ये है कुछ कार्बन की क्वालिटी, कार्बन की क्वालिटी है, कार्बन की संकलन है। तो संकलन का मतलब होता है कि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता सबसे अधिक होती है, किसी भी तत्व से क्रिया करके एक सहसंयोजक बंध बनाता है, फिर वो यौगिक बनाता है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संकलन कहते हैं। तो पहला हेडिंग बना लीजिए संकलन, ठीक, जल्दी से पहला हेडिंग रहेगा श्रृंखलन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैटेनेशन, 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 यहाँ पर लिखिए कैटेनेशन। श्रृंखलन हिंदी में, अंग्रेजी में होगा कैटेनेशन, समझ गए, तो लिखो। केमिस्ट्री में हाँ, तो बात क्या हो रही थी बाबू, कार्बनिक रसायन की, कार्बनिक रसायन की। अच्छा ये बताओ, जल्दी पढ़ते हैं, 10 मिनट और पढ़ते हैं। देखो कार्बन के अंदर एक क्वालिटी होता है कि किसी भी यौगिक के साथ वो क्रिया कर सकता है, कार्बन के अंदर ये क्वालिटी है कि किसी भी तत्व से वो क्रिया करके एक यौगिक बनाता है, अब बहुत अधिक यौगिक बनाता है। इसीलिए रसायन विज्ञान के एक अलग शाखा के अंतर्गत कार्बन और उससे बने हुए यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। मैंने कहा ना कार्बन के अंदर एक क्वालिटी होता है, वो क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी क्या है, उसकी संयोजकता सबसे अधिक है बाबू, एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है, त्रिबंध भी। तो जो कार्बन होता है वो बहुत अधिक यौगिकों को बनाता है, तो जिन यौगिकों को हम लोग रसायन विज्ञान के एक अलग शाखा के द्वारा अध्ययन करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं, बताओ अंग्रेजी में कोई बताएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम सही लड़का बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक और इसको कहा जाता है केमिस्ट्री। देखो यही पढ़ रहे हो आप लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, कार्बन के बारे में जब भी अध्ययन करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो लिख लो तनी हेडिंग ग्रांट लिखो, चलो देखो
स्वीडिश या स्वीजन के एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन के नाम सुने होंगे, बहुत प्यारा सा देश है। उनका नाम था बर्जिलियस। बर्जिलियस ने ही कहा कि संसार में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, वह केवल हम जीवधारियों से ही बना सकते हैं, निर्जीव से नहीं बना सकते हैं। या जो अजैविक पदार्थ होता है जिसके अंदर जान नहीं पाया जाता है, उससे हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव का मतलब होता है जीवित, जीवित जीवित जीवधारी से ही कार्बनिक पदार्थ को बना सकते हैं। ये बर्जिलियस था। कौन थे? हाँ तो सुनो कहानी। इस बर्जिलियस ने ये बात बताई। बाद में इन्हीं के ही शिष्य थे जिनका नाम था होलर, आप पढ़े होंगे होलर, जिसको बोलर भी लिखा जाता है। और उसने कहा कि नहीं गुरुजी, जो आपकी बात है गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल हम लोग कार्बनिक पदार्थ को जीवित पेड़ पौधे से ही बना सकते हैं, जीवित जीवधारी से ही बना सकते हैं, हम निर्जीव से ही बना सकते हैं। और उसी बोलर ने जिसके हम बात कर रहे हैं, कितने लोग होलर जिसको कहते हैं, किताब में आपका बोलर लिखा है, पढ़िएगा देखिएगा, आज जाकर खूब पढ़िएगा। मैं पढ़ रहा था, टाइम निकाल करके भी बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, तो कहा कि तुम लोग तो पढ़ते ना, कम से कम हम भी तो पढ़ लें। तब बोला अभी टिक भी लगा देंगे, कल लगवा देंगे टिक आपको, कि बोलर ने सन 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट लिया। आपकी किताब में लिखा है, देखिए अमोनियम साइनेट, जिसका सूत्र होता है NH4CNO, लेकर के इसको गर्म किया और गर्म करके NH2CO बनाया, यूरिया बनाया। और देखो ये तो निर्जीव है, ये तो निर्जीव है। बाद में बहुत सारे बर्थेलो वैज्ञानिक आए, एसिटिक अम्ल उसने बनाया, लगातार वैज्ञानिक आते गए और जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। ये बना दिए, ये निर्जीव वस्तु था, अमोनियम साइनेट है, और इससे उसने अमोनिया जब बना दिया तो इनका सिद्धांत, गुरु जी का सिद्धांत क्या हो गया, फेल कर दिया। लेकिन गुरु जी ने ही पहले सिद्धांत बनाया, तभी शिष्य ने उसका प्रतिपोध किया। तो लिखो जैव शक्ति सिद्धांत।